पंजाब के समुचे पिंड प्रैक्टिस कर रहे वो डॉक्टर जिन्हों समय दरकार यह कह के अणगोलियां कर रही हैं कि यह डॉक्टर अनरजिस्टर्ड गैर कानूनी हैं। अज उ डॉक्टर की जथेबंधी मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन पूरे पंजाब हड़ पीड़ितों लिए वड्डा सहारा साबित हो रही है। जी हाँ, यह जथेबंधी के समुचे मैंबर सूबा प्रधान डॉक्टर रमेश कुमार बाली की अगवाई हेठ हड़ पीड़िता स्लम एरिए के लोगों उन्होंने झुग्गियों तक जाके दवाइया दे के उन्हों का इलाज कर रही है। भावें कि सरकारी हस्पताल दीआं टीमां भी काम कर रही हैं पर इस टीम ने उत्थे जाके भी लोगों का इलाज किया जिथे सरकारी टीमां भी पहुँचने तो कतरा रही हैं। अज इस टीम वालों श्री आनंदपुर साहब के चरण गंगा पुल के नेड़े रेलवे लाइन के कोल बसी स्लम बस्ती के लोगों को जाके उन्हों का दर्द मंडाया अते पीड़ित लोगों का इलाज किया ते नाल ही नज़दीकी पिंड चंडेसर च रह रहे प्रवासियों नूं भी मैडिकल सहूलत प्रदान की है। इस जत्थेबंदी के सूबा प्रधान का कहना है कि जिथे उन्होंने संस्था ने कोरोना काल च अपनियां सेवावां दित्तियां ते किसानी संघर्ष दौरान भी दिल्ली च बैठे किसानों की बांह फड़ी ते हुण भी उन्होंने वालों लगातार पूरे पंजाब च अपनी सेवा दित्ती जा रही है ते जदों तक हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुंदे वह अपनी मैडिकल सुविधा जारी रखणगे। ब्यूरो रिपोर्ट मेरा पंजाब न्यूज। हड़ दे संबंध जिहड़े पंजाब दे समुचे हालात इन्ने भैड़े आ कि उन्हां नूं कुछ ठीक करन दे लई लोकां नूं राहत देण लई सीख पक्खों ते असीं मैडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसीएशन पंजाब रजिस्टर्ड नंबर 295 द्वारा सारे पंजाब दे विच गरीब लोगों और जिहड़े पीड़ित लोग है उन्हां नूं दवाइयां दे रहे हैं और नाल ये भी कहा गया कि जिहड़े भी गरीब लोग ने जिहड़े झुग्गियां च रहिंदे ने जिन्हां दीआं झुग्गियां भी हट चुकियां ने कपड़ियां तों बिना ने उन्हां को होर कपड़े पाण लई नहीं हैगे कि सारे पंजाब दे विच जिहड़े उन्हां नूं कपड़े भी दित्ते जाणगे ते असीं सारे इकट्ठे हो के ना उन्हां झुग्गियां च आए हां जिन्हां झुग्गियां दे विच रोटी दा भी औखा आ कपड़ियां दा भी औखा आ और दवाइयां दा भी औखा आ लाइट का भी औखा आ। असीं इत्थे मरीजां नूं हुणे बच्चियां नूं दवाइयां दे के हटे हैं और उन्हां नूं जिहड़े दूजे बजुर्ग ने उन्हां नूं भी दवाइयां दित्तियां ने जिहड़े पीड़ित ने और असीं इह सारे पंजाब दे विच जिहड़ी आ इह मुहिम चलाई जा रही आ और इह पहली मुहिम नहीं हैगी। पिछले समय भी जदों हड़ आए सी जदों इत्थे मैनूं बेदी दे इलाके देख गया सी उदों भी डॉक्टर हलन दी टीम नाल सी मेरे ते असीं इकट्ठे सी ते उस समय विच भी वो इलाका असीं देखिया 10 किलोमीटर पैदल तुर के गए हाँ जिथे पानी ने 20 फुट थले तो धरती जिहड़ी आ वो हड़ा ली सी ते लोकां दा बहुत सारा नुकसान होया सी। जिहड़ी ड्यूटी आ इह असीं इक तां भाई कन्हैया नूं समर्पित करदे हाँ दूजा कि जथेबंदी का नारा है मानव सेवा परमो धर्म और असी लोगों की सेवा करते हैं करते रहेंगे। करोना च भी बहुत साथ दिता लोगों का बहुत सेवा की है करोना च भी असी परवाह नहीं की और मैं एक होर गल जी वो पंजाब सरकार तो मंग करता हाँ भी जेड़े भी सधारण लोग इस तो पीड़ित हुए ने और जिन्हां दे घर भी जिहड़े आ उह ढह चुके ने बेघरे हो गए ने जां माली नुकसान जिन्ना भी थोड़ा बहुता होया वी उहदे सरकार हर एक दी जिहड़ी आ उह मदद माली मदद करे कि आपां जिवें पंजाब दे विच सेवा च जुटे हाँ जुटे रहना आ ते जिहड़ा अपना नारा आ मानव सेवा परमो धर्म उहनूं लागू करना आ अमर रूप च लागू करना। जय जनता जय संघर्ष जित लड़दे लोकां दी। अज तुहाडे जथेबंदी वालों आनंदपुर साहब च पहुँच के पीड़ित लोगों को दवाइया दित्तियां गई की कहना चाहोगे अपने इस उपराले बारे? असी ये कहना चाहते हैं भी असी जदों भी कोई समाजिक दिक्कत बनती है भीड़ आती है असी हर मौके पर असी समाज की सेवा करते हैं गरीब वर्ग की करते हैं तो साढ़े नाल अज स्टेट के प्रधान रमेश कुमार बाली जी गुरमीत रोपड़ तो जी हल साहब तो होर मेरी सारी टीम इन गरीब चौंकड़ियों के अपनी सेवा निभा रहे हैं और फ्री सेवा दे रहे हैं और असी उम्मीद करते हैं कि भी ये साड़ी सेवा डोर टू चलती रहेगी जदों तक आह थोड़ी जी प्रॉब्लम हल नहीं होंगी और मैं उम्मीद करदा कि भी यह साड़ी टीम अपना पूरा जतन करती रहेगी गरीब वर्ग की सेवा करते रहेंगे।